लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। एक बार फिर जिला जेल में हुई कैदी की संदिग्ध अवस्था में मौत। बहराइच जिला कारागार में एक कैदी की मौत हो गई। मौत का कारण वही पुराना राग अलापा जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने के कारण कैदी की मौत हो गई। कैदी का नाम इलियास था, उसकी उम्र 50 वर्ष थी और 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी में विचाराधीन मामले में सजा काट रहा था। जेल प्रशासन का काला चेहरा एक बार फिर सामने आया जब मुर्दा कैदी को जिंदा करने के लिए जिला अस्पताल पर 5:50 पर लाया गया। कैदी की मौत तो जेल की काल कोठरी में ही हो गई थी, लेकिन जेल प्रशासन अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता था और अपने आप को बाइज्जत बरी करने के लिए मृतक कैदी को जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक कैदी को जिला अस्पताल में छोड़कर ही भाग निकले जेल प्रशासन कर्मी। क्या जेल प्रशासन पूरी तरीके से अपाहिज हो गया है या अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए हर बार नई चाल चलता है? यह कोई पहली घटना नहीं। इससे पहले 8 मौतें जेल की काल कोठरी में हो चुकी हैं। मेरा नाम मुमताज रसूल है, ये मेरे पिता हैं इम्तियाज रसूल। मैं फतेहपुर थाना फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी का रहने वाला हूँ और ये मेरे पिताजी हैं। 6 महीने से ये बहराइच जेल में बंद है और कल रात में हमारे पास फ़ोन गया कि जो है आपके पिता की मृत्यु हो गई है। हम लोग यहाँ आए हैं, इससे पहले ना कभी जो है बीमारी की कोई सूचना नहीं दी गई और हम पिछले मंगल को मिलके गए हैं, स्वस्थ थे। लमसम आधा घंटा बैठकर बात की, हंस के बोल के सब बात हुई बढ़िया से और कल रात में बताया कि आपके पिताजी ख़त्म हो गए हैं। ये जो मौत हुई है कैसे, क्या मामला है? मामला ये तो ऊपर वाला जाने, इससे पहले जब आए थे हम 2-2.5 महीने पहले मुलाकात करने, तो कुछ तबीयत इनकी ख़राब थी तो शिकायत की गई थी जेल प्रशासन से कि इनको जरा इनका ध्यान दिया जाए। उसके बाद इन्होंने किया, जो ध्यान दिया बता रहे थे, अभी जेलर से मिले थे, हम लोगों का ध्यान दिया। लेकिन अभी कल को जब अचानक फ़ोन पहुंचा है, सिद्धू सिपाही पहुंचे फतेहपुर में कि आपके चचा की मृत्यु हो गई है, तो एक सदमा सा लगा हमें। तो हमने जब पता किया तो हार्ट अटैक के उन्होंने बताया है, बाकी अब तो ये पीएम रिपोर्ट में सामने आएगा क्या है क्या नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज़ में खबरों का सिलसिला हुआ खत्म। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं, www.indialivenews.co.in। नमस्कार।